बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम व्यूअर्स, दिस इज़ वकास नसीर फ्रॉम सीडीबी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में आपसे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे और बात करेंगे बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की शानदार प्राइम लोकेशन पर ऑर्चर्ड मॉल के हवाले से कि लास्ट कुछ वीक्स में कुछ मंथ से आपसे इसकी लेटेस्ट डिवेलपमेंट फास्ट ट्रैक पर होती जो है उसकी वीडियो शेयर होते रहे हैं, लेकिन अभी कस्टमर्स का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या इंटरेस्ट है उसके हवाले से भी थोड़ा सा आपको अपडेट करेंगे। इस ऑर्चर्ड मॉल की बेसमेंट के बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और अभी सेकंड फ्लोर की शटरिंग का जो है काम जारी है। पिछले कुछ अर्सा में तो वैसे इनकी डेवलपमेंट स्लो रही थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी आके यहाँ पर फास्ट ट्रैक पर होती कंस्ट्रक्शन जो है इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अट्रैक्शन का बाइस है, और उसकी भी एक वजह है कि यहाँ पर ऑलरेडी जिन इन्वेस्टर्स ने परचेजिंग की थी उनकी तमाम तरह शॉप्स जो हैं इस वक्त मार्केट में ऑन पर हैं, प्रॉफिट अमाउंट पर हैं। डिवेलपर की तरफ से जो एक्चुअल ऑन लाइक लॉन्च प्राइस थी उसमें अभी जो है परचेजिंग जो भी करते हैं उनको एक्चुअल प्राइस से प्रॉफिट अमाउंट में वो अपनी मार्केट में सेल कर सकते हैं। सीडीबी प्रॉपर्टीज़ जिस तरह से क्यूलिंग्स का रजिस्टर्ड ऑथोराइज डीलर है, हमारे पास यहाँ पर अभी भी कुछ इन्वेंट्री इस तरह की पड़ी हुई है कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पर यहाँ पर अच्छी लोकेशन की शॉप्स परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर तकरीबन 95% ग्राउंड फ्लोर की इन्वेंट्री सोल्ड है और तकरीबन 85-90% फर्स्ट फ्लोर की भी इन्वेंट्री सोल्ड है। यहाँ पर जो आप परचेजिंग करते हैं रेट्स के वाले से थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो भी शॉप आप परचेज़ करते हैं डाउन पेमेंट के बाद 1 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट यहाँ पर रह गई है। पहले जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो ये 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स थी, उसके बाद 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स रह गई, और अभी यहाँ पर आप जो भी शॉप परचेज़ करते हैं ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर में उस पर 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर यहाँ पर आप शॉप की परचेजिंग कर सकते हैं। ऑर्चर्ड मॉल बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में तकरीबन कोई 6000 के प्लस माइनस में प्लॉट्स हैं, और ऑर्चर्ड मॉल आने वाले टाइम की यहाँ पर रेजिडेंशल्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है, और जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े फास्ट ट्रैक पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट देखते हुए इन्वेस्टर्स यहाँ पर परचेजिंग कर रहे हैं। स्पेसिफिकली मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो कस्टमर्स जिनका अंडर 5 मिलियन बजट है और बैरिया जैसे ब्रांड में कमर्शियल अपॉर्चुनिटी वो कोई लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टिल हमारे पास कुछ अच्छी लोकेशन की शॉप्स पड़ी हुई हैं सेकेंड फ्लोर पर। सेकेंड फ्लोर की सबसे ज़्यादा खास बात क्या है उसमें मैं आपको बताऊँ कि क्यूलिंक्स की तरफ से यहाँ पर जो डील लॉन्च की गई थी, जैसा मैंने आपको बताया कि अंडर 5 मिलियन भी यहाँ पर आप शॉप की परचेजिंग कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। यहाँ पर किड्स एरिना के नाम से डील दी गई थी, और किड्स एरिना में एक तरफ क्या है लाइक प्ले एरिया है बच्चों के लिए, एक तरफ इसी फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट है, और दरमियान में ये शॉप्स हैं जो कि अंडर 5 मिलियन है। यहाँ पर आप जो भी शॉप परचेज़ करते हैं उसमें आपको स्टैंडर्ड कैटेगरी के साथ मेन बुलीवर्ड फेसिंग, मेन बुलीवर्ड प्लस फेसिंग लॉबी या मेन लॉबी की भी शॉप जो हैं अवेलेबल हैं। हर तरह की शॉप परचेजिंग करने पर आपको डाउन पेमेंट के बाद ईजिली 36 मंथली इंस्टॉलमेंट्स का जो है वो टाइम मिल जाता है डिवेलपर की जानब से, और ये जैसा मैंने आपको बताया कि वो लोग जो कि बैरिया जैसे ब्रांड में कमर्शियल अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं वो भी इंस्टॉलमेंट्स पर विद इन 5 मिलियन के बजट में, तो उनके लिए ऑर्चर्ड मॉल एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसिडर की जा सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास अच्छी लोकेशन की अभी भी कुछ शॉप्स पड़ी हैं जिसमें अगर आप परचेजिंग करना चाहें तो आपको डीलर कमीशन पे नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, कोई सर्विस चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, और ऑर्चर्ड मॉल की जैसा मैंने बताया कि तेज़ी के साथ होती डेवलपमेंट कस्टमर के लिए बहुत अट्रैक्शन का बायस है। दैट्स वाई यहाँ पर बहुत अच्छा आइडियल टाइम है कि यहाँ पर जो भी कमर्शियल शॉप आप परचेज़ करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं, और डिफरेंट कैटेगरी की यहाँ पर शॉप्स हैं। अगर आपको बेसमेंट में भी शॉप्स चाहिए, ग्राउंड फ्लोर जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी 95% सोल्ड है, एक दो शॉप्स अगर यहाँ पर पड़ी हैं वो भी आप परचेजिंग करना चाहें बता सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर का जो रेट है इस वक्त तकरीबन कोई 80-90 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 25-30 लाख के बजट में यहाँ पर आपको शॉप मिलती है, जबकि फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी 70-75 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के प्लस माइनस तक आपको फर्स्ट फ्लोर पर शॉप मिलती है। सेकेंड फ्लोर पर आके फिर ये वो बजट है जो कि अंडर 5 मिलियन आप परचेजिंग कर सकते हैं, उसमें 39.5 लाख रुपये की भी शॉप है, उसमें 26.5 लाख की भी है, 29.5 लाख की भी शॉप है, और यहाँ पर परचेजिंग करने के हवाले से ऑर्चर्ड मॉल में अभी की आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। आप खुद भी आके अपनी इस शॉप में बिजनेस करना चाहें या उसको रेंट आउट करना चाहें तो आप उसे बड़े अच्छे रेट पर रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी वाले से ऑर्चर्ड मॉल में अगर आपकी किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी आप यहाँ पर शॉप परचेज़ की हुई है, आप उसे सेल आउट करना चाहते हैं, तो आप सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू से प्रॉफिट के साथ सेल आउट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्चर्ड मॉल में किसी भी शॉप की परचेजिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल बैरिया ऑर्चर्ड के चारों फेजेस में, स्पेसिफिक फेज़ 4 में भी आपकी कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल के हवाले से कोई भी क्वेरी होती है आपकी, आप कुछ परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या फिर अपनी किसी प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करवाना चाहते हैं, तो उस वाले से भी आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +92333115100। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, इट्स www.cdbrealestate.com। थैंक यू सो मच फॉर बींग दिस। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।